हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन करेक्शन सीरीज। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपीपीएससी का ए का जो 2020 का एग्जाम था अभी दिसंबर में जो हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन के जिनके आंसर की में आपको कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट फील का मतलब ये है कि जो कोचिंग सेंटर ने उसके की निकाले हैं वो डिफरेंट कोचिंग सेंटर में उसके डिफरेंट आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ये चार क्वेश्चन बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको मुझे भेजा है अशोक कुमार जी ने। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, बट ये चार क्वेश्चन भेजे गए हैं, भेजा है अशोक कुमार जी ने। और इन क्वेश्चन को मैंने देखा है, बेसिकली मेडिजी के जो आंसर की है, आईएएस मास्टर की जो आंसर की है, बेसिकली आप लोगों ने भी वहीं कहीं से देखा होगा। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब सेम आंसर उन्होंने नहीं दिया। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ गया। हालांकि जो कोचिंग सेंटर वालों ने की निकाला है उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्ट्स फैकल्टीज होती हैं, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो @manuacademy पे। आप यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. और जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्रिटिकल पाथ मेथड इज गुड फॉर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लैंग्वेज की वजह से ही प्रॉब्लम आई है कि अलग अलग कोचिंग सेंटर वालों ने इसका अलग अलग आंसर दिया है, तो ध्यान से आप पढ़ लेना। यहाँ पे दो आंसर दिया गया है, लार्ज प्रोजेक्ट ओनली, ये आंसर दिया है आईएएस मास्टर ने, और सी यहाँ पे आंसर दिया गया है बाय द मेडजी, बोथ स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट इक्वली। अब हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, हालांकि आप सभी लोग प्रिपरेशन करने वाले हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप सारे लोग ये सारी चीज़ें जानते होंगे, फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बेसिकली दो प्रोजेक्ट एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं, एक पार्ट होती है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब इसे हम प्रोबेबिलिस्टिक क्यों कहते हैं, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सपोज करिए आपसे सीरियसली पूछा जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो आप क्या करोगे, बता पाओगे? जरूरी नहीं है आप बता पाओ, आपके पास कोई डाटा नहीं है। हो सकता है आप कहो कि मुझे टाइम दो, तो प्रोजेक्ट देने वाला पूछेगा कितना टाइम दूंगा, आप ये भी श्योर नहीं कर सकते कि कितना टाइम बाद आप ये चीज़ बता पाओगे, मतलब यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। और उस टाइम के बाद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सही आंसर दोगे रिसर्च करने के बाद, जो भी आपके पास रिसर्च के बाद आउटपुट्स आएंगे वो सही प्रूव कर पाएंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी है आपका आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे आपके पास कोई स्टैटिक डाटा पहले से अवेलेबल नहीं है, तो जब कभी हम ऐसे प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे पर्ट लगाते हैं, जैसे इसरो कोई काम कर रहा है, बार्क कर रहा है, एकदम से नया काम कर रहा है, उनको नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम लगाने के बाद ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट के एनालिसिस के लिए हम पर्ट मॉडल जो होता है वो लगाते हैं, इसीलिए से हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। जो नेक्स्ट मॉडल है जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है वो है सीपीएम मॉडल। सीपीएम मॉडल एक स्टैटिकल मॉडल होता है, मतलब यहाँ इसको हम उस प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं जिस प्रोजेक्ट का डाटा हमको ऑलरेडी पता होता है, या उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें प्रीवियस कुछ आइडिया होती है, हमारे पास ये फिक्स कर सकते हैं हम नियर अबाउट कि इतना टाइम इसमें लगेगा, इतने रिसोर्सेज लगेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ डाटा है। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट को एनालाइज करना होता है तो वहाँ पे हम सीपीएम लगाते हैं। बट ये सब तो बकवास हमने कर लिया, बट यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं हो रहा है कि आंसर कौन सा है। आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि जो सीपीएम होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे ये कहते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म का पूरा प्लानिंग दे देगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोसेस में प्रोसीड करना है, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस देगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में। इजी होता है इसको प्लान करना इजी, कई सारे रीजन हैं कि आपके पास पहले से डाटा है, आपको पता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें पता होती हैं यहाँ पर आपको। और बाकी सारी चीज़ें कि ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, मैनेज करता है आपके रिसोर्सेज की, ये सारी चीज़ें हैं। इसके डिमेरिट्स को आप ध्यान से देखना, यहाँ से आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ कि ये जो मॉडल होता है ना वो बिगिनर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आप प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब आपके पास एक्सपर्ट लोग नहीं है, तो डाटा को एनालाइज कौन करेगा, जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज कौन करेगा, उसको समझेगा कौन, तो अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जो एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो महंगे होते हैं, आपको ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको एनालिसिस में, स्ट्रक्चर बनाने में, प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आप इस मॉडल को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे।
तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप सोचो कि अगर किसी छोटे मॉडल के लिए, किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप CPM लगा रहे हो, आप वहाँ पे हैवी सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, आप एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो एनालिसिस करने के लिए, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप ये मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रेंट नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि किसके लिए बेटर होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, तो आप दोनों जगह लगा सकते हो, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी लगा सकते हो, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे पूछा गया है कि ये अच्छा किसके लिए होगा, और दूसरा जो मेडजी वालों ने इसका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा है बोथ स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट इक्वली, ये मॉडल दोनों के लिए अच्छा है और इक्वली अच्छा है। ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से गलत आंसर इन्होंने दिया है। ये मॉडल अच्छा है बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा और छोटे प्रोजेक्ट के लिए कम, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में इसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये कंपेयर करें हम बड़े प्रोजेक्ट से छोटे प्रोजेक्ट के, तो ये ज़्यादा अप्रिसिएबल होगा बड़े प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म एनालिसिस होती है, बड़े डाटा जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स हैं, एक बड़े डाटा की एनालिसिस की जाती है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगाएं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा IAS मास्टर की जो आंसर की है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की है, हालांकि जब UPPSC वाले अपने आंसर की निकालेंगे तो वही उनकी फाइनल होगी। बट क्यों हम बी के तरफ जा रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो CPM होता है ना, इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, और वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छे नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट कॉस्टली होगा। फिर भी कोई ऐसा मना नहीं कर रहा है कि छोटे प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि ये किसके लिए अच्छा रहेगा, और सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि दोनों के लिए अच्छा रहेगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है। सही आंसर यहाँ पे होगा आपका बी। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, मॉइस्ट एयर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटर इन साइकोमेट्रिक डिवाइस दैट लिविंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द नेम ऑफ द डिवाइस इज। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे मेडजी वालों ने इसे कहा है डी ह्यूमिडिफायर कहेंगे, और जो IAS मास्टर वाले हैं वो कह रहे हैं इसे कहेंगे हम सेंसिबल कूलर। अब क्या कहेंगे, पहले आप इसको समझ लो कि ये प्रोसेस कैसे है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 35 डिग्री पे था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम कर लेते हैं 35 डिग्री, एक 25 डिग्री, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, जहाँ पे भी मैच करे। मतलब इन शॉर्ट ये जो 100% वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ये वाली लाइन है, इस लाइन पे हम वर्क कर रहे हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये विजिबल रहे। हमने क्या किया भाई, सपोज कर इस लाइन पे हम मूव कर रहे हैं, हम आ गए 25 पे आ गए, 35 से 25। अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूँ तो ये प्रोसेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सपोज कर लीजिए ये हमारा प्रोसेस हो गया, कैसे जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन पे ये हम मान लेते हैं हमारा टेम्परेचर हो गया है 25, इनिशियल हमारा टेम्परेचर था 35, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है। अगर इसको यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाले पॉइंट पे ड्रॉ करो तो ये हो गई। अब आप देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर लाइन पे जाएं, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन पे, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और दिख भी रहा है, 35 से 25 हुआ है। दूसरा क्या हो रहा है भाई, स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो अगर इस प्रोसेस को हम कोट करें तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। अगर इसको आप थोड़ा सा फील करना चाहते हो तो डर के आगे जीत वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। ये आपका माउंटेन ड्यू वाली बोतल है, जिसे हम कहते हैं डर के आगे जीत है। यहाँ पे देखो कुछ बूंदें बनी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो एयर है उसके साथ क्या हो रहा है। एयर इस बोतल से टकराई, एयर के जो मॉइस्चर थे यहाँ पे जम गए, एयर के मॉइस्चर मतलब ये पानी कहाँ से आया, बॉटल से निकल के तो आया नहीं है, एयर से निकल के आया है। तो एयर से वाटर मॉइस्चर निकल गया, मतलब एयर का क्या हुआ, डीह्यूमिडिफिकेशन हुआ। दूसरे एयर का यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हुआ, तो क्या हो गया, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अब आप में से कोई थोड़ा और क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, कहेगा यहाँ पे थोड़ा सा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें भी वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मोरलेस ये प्रोसेस है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए।
यहां पे हो रहा है ये प्रोसेस जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये मतलब कूलिंग हो रही है विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। और यहां पे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर पूछूं, दूसरा क्वेश्चन अगर बॉटल को एज अ सिस्टम लेते हैं थर्मोडायनेमिक के हिसाब से डिस्कस करें तो बॉटल में जो लिक्विड है वो क्या हुआ, केवल और केवल कूल हुआ है, उसमें कोई भी मॉइस्चर कम या ज्यादा नहीं हुआ है, नहीं बाहर से मॉइस्चर उसमें ऐड हुआ है, नहीं अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकला है। तो अगर हम इसको कहें तो यहां पे जो बॉटल है उसकी हीटिंग हो रही है, तो ये कहेंगे हम कि यहां पे सेंसिबल हीटिंग हुई है, क्योंकि यहां पे जो वाटर कंटेंट है उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं हुए, तो बॉटल के लिए हम कह सकते हैं सेंसिबल हीटिंग हुई है। अब यहां पे जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को थोड़ा सा आप पढ़ो, एक दिया है ह्यूमिडिफायर, एक दिया है डिह्यूमिडिफायर, तो इसमें तो श्योर हो गया भाई ह्यूमिडिफायर तो ह्यूमिडिफिकेशन तो नहीं हो रहा है, हो रहा है डिह्यूमिडिफिकेशन, तो डिह्यूमिडिफायर है क्या। यहां पे जो ऑप्शन इन्होंने दिया है आईएएस मास्टर वाले, इन्होंने कहा है कि सेंसिबल कूलिंग हो रही है। अब सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लो। सेंसिबल हीटिंग मतलब हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर सेंसिबल हीटिंग है तो बिना स्पेसिफिक हीट, बिना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के चेंज हुए हीटिंग होना चाहिए। उसी तरीके से कूलिंग के लिए भी बिना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के चेंज हुए कूलिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे आपने प्रोसेस में देखा कि जो ह्यूमिडिटी है मतलब जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे हालांकि कूलिंग भी हो रही है बट केवल कूलिंग के वजह से आप इसे सेंसिबल कूलिंग नहीं कहोगे, क्योंकि सेंसिबल कूलिंग में जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ये जो लाइन है ये एकदम से ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, मगर ये पॉइंट अगर यहाँ रहता है इनिशियल और फाइनल यहाँ रहता है तो हम कहते हैं यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है और सेंसिबल कूलिंग की ये टर्म्स है, ये कंडीशन है कि वहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा आपका बी। यहाँ पे मैं मेडिजी की जो आंसर की है उसके साथ जाऊँगा, क्यों जाऊँगा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैक ड्यूरिंग द सीट मेटल ऑपरेशन इज कॉजेज बिकॉज द, यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। मेडजी वालों ने कहा है ये जो स्टोर एनर्जी होती है ड्यू टू इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आईएएस मास्टर वालों ने कहा है कि नहीं केवल जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसके वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसी के वजह से स्प्रिंग बैक होता है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले स्प्रिंग बैक होता क्या है। थोड़ा सा आप ये वीडियो देखो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं जानते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रिप ड्रॉइंग हो रही है, ये मेटल प्लास्टिक डिफॉर्म कर रहे हैं, हम प्लास्टिक डिफॉर्म करेंगे तभी एक सेफ होगा, तभी मेटल फॉर्मिंग की बात की जाएगी, अदरवाइज की ही नहीं जाएगी। अब आपने देखा इसको, एक बार मैं फिर से प्ले कर देता हूँ, आपने इसको देखा कि जैसे ही ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ से फोर्स हटाया गया, अगेन ये थोड़ा सा अपने आप को रीबाउंस किया, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा शेप भी चेंज हो, बट जरूरी नहीं होगा कि शेप चेंज हो, तो यही जो रीबाउंस कर रहा है ना अपने आप को थोड़ा सा, इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग बैक। थोड़ा सा और आपको इसको फील करना है तो ये एग्जांपल देखो, मान लीजिए किसी चीज को आप बेंड कर रहे हो, एक रॉड है इसको आपने बेंड किया, तो ये जो रेड वाली लाइन है ना यहां तक आपने इसको बेंड किया, छोड़ोगे हो सकता है थोड़ा ये सीधा हो जाए यहां तक आ जाए, फील करना आप इसको तभी आंसर कर पाओगे। आप थोड़ा सा और बेंड करते हैं, अगली बार हमने यहां तक किया था अब हम यहां तक कर देते हैं, ठीक है इस बार हम छोड़ेंगे तो शायद ये यहां तक जाए या थोड़ा और कम जाए, अगली बार थोड़ा और बेंड करते हैं। जैसे जैसे हम इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई लाइन नहीं होती है कि सीधा आप इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में घुस गए और प्लास्टिक जोन में थोड़ा भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, या इलास्टिक जोन में थोड़ा भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसी कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है, मतलब हम इसे कहते हैं कि प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन हाँ मैटर करता है कि हम किस डिफॉर्मेशन में ज़्यादा हैं। अब है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे हम प्लास्टिक जोन में बढ़ते जा रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग बैक है या जिसे बाउंस बैक भी हम कहें अगर सिंपल भाषा में, वो कम होता जा रहा है। इससे फील करने, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, और एक चीज और आपको समझना है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ना, कोई कहीं पे भी आप फोर्स लगा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी गई वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती, वो एनर्जी स्टोर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वो स्टोर नहीं होती है भाई। अगर आप उसको स्टोर करते हो तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को आप वायलेट करोगे यहाँ पे, मतलब आप सिंपली ये कहना चाह रहे हो कि भाई हमने एनर्जी दिया, वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कुछ वर्क भी हुआ और वो एनर्जी स्टोर भी हो गई। हाँ ये कह सकते हो कि पार्सली क्या हुआ, वहाँ पे वर्क हुआ, पार्सली स्टोर हुई। तो जो पार्सली स्टोर होती है वो किस जोन में होती है, वो इलास्टिक जोन में ही होती है, मतलब यहाँ पे जो बाउंस बैक आता है वो
इलास्टिक जोन की जो एनर्जी स्टोर हुई रहती है उसी के वजह से आता है। अगर आप स्प्रिंग जो बैग होता है, स्प्रिंग बैग के अगर डिफिनीशन देखो तो स्प्रिंग बैग इज हैपन व्हेन डिफ्लेक्शन इन इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन व्हाट एवर दैट, व्हेन क्लैंपिंग प्रेशर या डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप हटाते हो तो जो भी इलास्टिक जोन का बचा रहता है वहां पे एनर्जी स्टोर वो क्या करता है, अपने आप को रिमूव कर देता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग बैग। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो एनर्जी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में यूज हो गई है वो कभी उसको बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। तभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे जैसे आप प्लास्टिक जोन में घुसते जाओगे, जितना ज़्यादा आप प्लास्टिक जोन में घुसोगे इसके बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि आप इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में जा रहे हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा IS मास्टर का। अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये मेरे हिसाब से ये मेडजी की जो आंसर है वो गलत है। बाकी UPPSC वाले जब अपनी की रिलीज करेंगे डेफिनेटली वही उनका फाइनल होगा, वो क्लेम भी आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट क्यों हम सी की बात कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है बट बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 मेंशन है। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर यूज फॉर द ड्रिलिंग होल। अब इस क्वेश्चन में क्यों कन्फ्यूजन होगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। क्यों हुआ है, यहाँ पे IS मास्टर वालों ने सी दिया है और मेडजी वालों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है। पहले ये समझते हैं कि जो हेलिक्स एंगल होता है क्यों यूज करते हैं। आपको सभी को पता भी होगा, हेलिक्स एंगल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली होता है, ये जो आपका आपको पता है जो ड्रिल बिट होती है इसमें दो कटिंग एज होती हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ये, यहाँ पे भी कट करता है, साइड से भी कट करता है। तो ये जो इसकी एक्सिस है और ये जो आपका है इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं हेलिक्स एंगल, और ये आपका होता है पॉइंट एंगल। तो यहाँ पे पॉइंट एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हेलिक्स एंगल की। यहाँ पे भी देख सकते हो ये हेलिक्स एंगल है जो इन जनरली यूज होता है, जो रेगुलर यूज होता है, रेगुलर यूज के लिए हम कहें तो ये 28-32 होता है, और ये हेलिक्स एंगल हम लार्जर के कैटेगरी में रखते हैं और ये हम लोअर के कैटेगरी में रखते हैं। लोअर कैटेगरी में क्या होता है कि जो इसकी कटिंग एज होती है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि कब हम कौन सा यूज करते हैं। जैसे अगर हम यूजुअल की बात करें, कॉमन पर्पज के लिए हम 28-32 यूज करते हैं। लार्ज हेलिक्स जब हम बात करें तो लार्ज हेलिक्स हम यूज करते हैं जहाँ पे सॉफ्टर मटेरियल होता है। अब ये कंपेरिजन हम कर रहे हैं ना, अब कितना सॉफ्ट होगा कितना हार्ड होगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं दो मटेरियल का कि अगर कहीं पे सॉफ्टर मटेरियल है तो वहाँ पे आप लार्ज हेलिक्स यूज करोगे। फीड रेट ज़्यादा है, अगर स्पिंडल स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे, फीड रेट ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे लार्ज हेलिक्स यूज होगा। अगर हम स्मॉल हेलिक्स की बात करें तो इसका रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे हार्डर मटेरियल होता है, जो हार्ड होता है वहाँ पे हम स्मॉल हेलिक्स का मटेरियल यूज करते हैं, जहाँ पे स्पिंडल स्पीड हाई होती है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो कटिंग एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कटिंग एज स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हाई स्पीड पे बेसिकली ट्राई करते हैं जहाँ पे हार्ड मटेरियल हो, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं रहेगी उसके कटिंग बिट में तो फिर क्या होगा, वो उसका जो कटिंग एज है वो घिस जाएगी, फिर तो ड्रिलिंग होगा ही नहीं। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ रहे और स्मॉल हेलिक्स हम यूज करते हैं। तो एक कंक्लूजन पे तो हम पहुंच गए हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो हेलिक्स का भी यूज होता है, ये उससे हार्डर पे होता है, और जहाँ पे माइक्रो छोटे होल करने होते हैं वहाँ पे हम जीरो हेलिक्स का यूज करते हैं। तो एक चीज़, एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच गए हैं कि स्मॉल हेलिक्स की बात कर रहे हैं ये, मतलब हार्ड मटेरियल होगा। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें हार्ड मटेरियल कौन है। तो ये दोनों मटेरियल हार्ड होते हैं, बट जहाँ पे कार्बन परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होती है वो मटेरियल ज़्यादा हार्ड होता है। आपको पता है कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल के हार्डनेस के लिए। अब आप कहोगे हीट ट्रीटमेंट भी होता है, अलॉइंग एलिमेंट भी होते हैं। मैं कहता हूँ भैया अगर कार्बन नहीं रहेगा, आप लाख अलॉइंग कर लो दूसरे मटेरियल का, हीट ट्रीटमेंट कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत लो कार्बन को आप खूब हीट ट्रीटमेंट कर लो, खूब अलॉइंग कर लो, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा और वहाँ पे लो हेलिक्स वाला यूज करेंगे। तो हमको बस यही देखना है कि इसमें हार्ड कौन है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट हैं, बचे ये दोनों जिसको आंसर किया गया है IS मास्टर के द्वारा और आपके मिडजी के द्वारा। तो यहाँ पे जो कास्ट स्टील होता है, अगर बहुत ही जनरल हम बात करें तो लोग कास्ट स्टील को कार्बन स्टील या स्टील कह देते हैं, बट चूंकि हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक तरीके से यूज करें। तो कास्ट स्टील इन जनरली उसको कहा जाता है जहां पे मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज 70.75 तक होती है, तो उसे हम कहते हैं ये कास्ट स्टील के कैटेगरी में आता है। कार्बन स्टील या सिंपली स्टील कह लें तो यहां पे जो कार्बन परसेंटेज होती है वो कुछ 2% के आसपास होती है, 2.1 तक भी होता है।
तो ठीक है, ये होता है कार्बन स्ट्रेंथ। तो जहां पे कार्बन परसेंटेज ज्यादा है उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, और हार्ड मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लो हेलिक्स यूज करते हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, मतलब मैं यहां पे जाऊंगा मेडजी के की के साथ, सॉरी मेडजी के की हमारे हिसाब से सही होगी, और जो आईएस मास्टर की हैगी ये गलत होगी। तो जो भी मेरे हिसाब से प्रॉपर आंसर हो सकता था, क्यों हो सकता था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है, कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।